हेलो फ्रेंड्स, अगर कहीं पर आपको ये मैसेज मिल रहा है कि टिकटॉक वापस आने वाला है या फिर वापस आ गया है, टिकटॉक प्रो के नाम से, टिकटॉक प्लस के नाम से, टिकटॉक न्यू के नाम से, और नीचे लिंक आपको दिया जा रहा है, आप इस लिंक से इसको इंस्टॉल कर सकते हो, तो आप कहीं गलती से लिंक को डाउनलोड करके इंस्टॉल मत कर लेना। ऐसा करने से आपके मोबाइल फ़ोन का सारा डाटा चला जाएगा और ये जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा रहे ना, ये टिकटॉक से भी ज़्यादा खतरनाक है। अभी हाल फिलहाल के लिए टिकटॉक पर बैन लगा हुआ है और किसी भी तरीके से अभी टिकटॉक वापस नहीं आने वाला। अभी गवर्नमेंट ने जरूर कहा है इन 59 एप्लीकेशन के मालिकों से कि आप इन 77 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद ही हम लोग सोचेंगे कि इन एप्लीकेशन पर बैन लगना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि टिकटॉक पर जो बैन लगा हुआ है वो हटेगा। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, अब सुनने में आ रहा है कि वो टिकटॉक को चाइना से बाहर ले जाने वाली है। मे बी वो शायद इसको सेल कर दे, बेच दे। क्यों? क्योंकि इंडिया के बाद अब US में भी और देशों में भी टिकटॉक के खिलाफ मुहिम स्टार्ट हो चुकी है। लोग मांग कर रहे हैं कि टिकटॉक को बैन किया जाए। तो अभी तक के लिए दोस्तों यही है कि टिकटॉक पर बैन हटा नहीं है और टिकटॉक कोई नई एप्लीकेशन लेके नहीं आया है। ये जो भी आपको सोशल मीडिया पर मैसेजेस मिल रहे हैं ये सब फेक हैं। एग्जैक्टली में एक स्पैम है, मालवेयर आपके फ़ोन में डाला जाता है जिससे आपके फ़ोन का सारा डाटा ये लोग चुरा सके। बाकी दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा, जो लोग टिकटॉक पर काफ़ी अच्छे कंटेंट बनाते थे उनके लिए और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप अपनी शुरुआत कर सकते हो। हो सकता है कि शुरू में आपको स्ट्रगल करना पड़े, बट अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर भी सफलता मिलेगी। और एक चीज, जो कंट्रीज इंडिया के खिलाफ हैं उनकी एप्लीकेशन से थोड़ा सा दूरी बना कर रखें। इस टाइप की जो नौबत है ना बैन वाली, ये कभी भी उनकी एप्लीकेशन पर भी आ सकती है। तो हाल फिलहाल यही है, टिकटॉक वापस अभी तक तो नहीं आया है और भविष्य में इसके आने की संभावना भी नहीं है। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ मैसेज आपके पास कन्वे हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है लाइक बनता है, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इस मैसेज को जान पाएं। नमस्कार।